उत्तर प्रदेश के 38 जिलों में दिमागी बुखार, 1 से 15 साल के सैकड़ों बच्चों की आजीवन अपंगता और असमय मृत्यु के लिए जिम्मेवार है। इस कारण बच्चे स्कूल नहीं आते, स्कूल छोड़ देते हैं, जिससे उनकी शिक्षा रुक जाती है। आसपास गंदगी, मच्छर, दूषित पेयजल, चूहे छछुंदर, आबादी वाले क्षेत्रों में सुअर पालन, गंदे हाथ पैर और बुखार में लापरवाही इसके प्रमुख कारण हैं। दिमागी बुखार पर लगाम लगाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने 2 अप्रैल 2018 को संचारी रोग पखवाड़ा एवं दस्तक अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत की। इस अभियान में 17,000 स्कूलों के अध्यापकों और बच्चों की अहम भूमिका रही। बच्चे यहाँ पर जो हम लोगों ने जब उन्हें सिखाया साफ सफाई के बारे में, तो वो यहाँ पर भी उन्होंने इतना ध्यान रखना शुरू कर दिया कि अगर एक भी कागज फैल गया या एक गिलास भी, तो उन बच्चों ने तुरंत उसे उठा के हटाना शुरू किया, डस्टबिन में डालना शुरू किया। बच्चों की जान को जोखिम में डालने वाले इस बुखार को पटखनी देने हेतु बच्चों को पूरी तरह तैयार करने की रणनीति बनाई गई। जिला अधिकारियों के नेतृत्व में सभी विद्यालयों के नोडल शिक्षकों का मिशन मोड में प्रशिक्षण कराया गया। 617 उच्च जोखिम गांव के स्कूलों में स्वच्छ विद्यालय एक्शन किट के खेल द्वारा बच्चों ने दिमागी बुखार से बचने के उपाय, जैसे साबुन से हाथ धोना और खुले में शौच न जाने के महत्व को अच्छी तरह जाना और समझा। संगीतमय शौचालय जैसे खेल ने शिक्षकों और बच्चों को काफी लुभाया। बच्चों में पर्यावरणीय एवं व्यक्तिगत स्वच्छता तथा दिमागी बुखार के बेहतर इलाज के लिए सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति जागरूकता आई और सरकारी तंत्र में उनका मजबूत विश्वास कायम हुआ। पखवाड़े के दौरान विद्यालयों में अध्यापकों द्वारा प्रसारित संदेशों को बच्चे स्कूल प्रांगण से घरों के आंगन, गलियों और चौपालों तक लेकर गए।